रीडिंग स्टार्ट। भ्रष्टाचार और व्यभिचार हमें पाप की ओर धकेलते हैं। पाप का अर्थ है हर वह कर्म जो हमारी चेतना को नीचे गिराए और उस कर्म को करने पर अपार द्वंद्व एवं बेचैनी पैदा हो तथा करने के पश्चात अपराध बोध लगने लगे। यह पाप हमारी चेतना को तो गिराता ही है, इसका प्रभाव एवं परिणाम इतना गहरा एवं व्यापक होता है कि सोचते ही दिल दहल जाता है, मन कांप उठता है। व्यभिचारी का पाप पूरी पीढ़ी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इस पाप से उसका जितना पतन होता है वह अलग बात है। उसकी आँच से पूरी पीढ़ी झुलस जाती है। व्यभिचारी की संतान भी उसी आत्मघाती डगर पर बढ़ती है। ऐसे में समूचा पारिवारिक वातावरण असह्य और नारकीय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति केवल अपने पिछले पुण्य के आधार पर ही जीते हैं और जिस दिन पुण्य का वह घट चुक जाता है उस दिन से प्रारंभ होती है पाप की वह असह्य यंत्रणा, जो कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती है। व्यभिचार ने पीढ़ियों को इतना खोखला कर दिया है कि कोई श्रेष्ठ आत्मा ऐसे परिवार में जन्म लेना नहीं चाहती। इन पीढ़ियों में केवल ऐसी जीवात्माएं आकृष्ट होती हैं जिनकी अभिरुचि इसी प्रकार की होती है। अतः ऐसे परिवार में ऐसी जीव आत्माओं का जमघट लग जाता है जिनके कर्म मिलकर न केवल स्वयं एवं परिवार को नष्ट करते हैं बल्कि वातावरण को भी दूषित करते हैं। पुराणों में इसे ही रौरव नरक के रूप में चित्रित किया गया है। इन सबसे बचने का एक ही तरीका है सदाचरण। सदाचरण वह पवित्र गंगा जल है जो बुरे से बुरे कर्म के प्रभाव को कम करने की सामर्थ्य रखता है। सदाचरण के पुण्य प्रताप से आंतरिक द्वंद एवं ग्लानि कटती मिटती है। सदाचरण का पुण्य श्रेष्ठ जनों का संपर्क सानिध्य और सहयोग प्रदान करता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण है द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान कृष्ण द्वारा चीर वस्त्र दान। एक वस्त्र के टुकड़े को भगवान कृष्ण ने अनेक गुना करके उसे लौटा दिया। सतत श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा कर्म हमें कब सहयोग प्रदान करे। सदाचरण सदा आत्मसंतोष प्रदान करता है। दुराचारी अपनी तथा औरों की नज़र से गिरता है परंतु सदाचारी सतत कठिनाइयों के बीच भी शांत एवं प्रसन्न रहता है और सभी उसका सच्चे मन से सम्मान
करते हैं। जीवन का कोई पल न गुजरे कि वह सच चिंतन एवं सदाचरण से सराबोर न हो, श्रेष्ठ कर्म न कर पाने की स्थिति में उत्कृष्ट चिंतन करते रहना चाहिए। ब्रह्म